पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में तो लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है, तब खतरा में वो आ गए। जहां भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही थी उसके ऑपरेशन को चकनाचूर बिहार की धरती ने किया। बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर। अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के सब लड़ेंगे और अभी पांच तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है, सब लोग करेंगे। लेकिन कल ही यह तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना अब केंद्र सरकार को कर रहा है, अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। आई सब चीज एक के साथ तो पहले होता था, अगर करना चाहते हैं तो ही काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए, हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए होना ना चाहिए था 20 में तो नहीं है किए, कभी तक चाहिए था कुछ नहीं किए, तब क्या हो रहा है। अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं वे कल बात बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब। वन नेशन वन इलेक्शन क्या आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है, हम तो पहले ही से ना मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। बिहार ने करके दिखाया, भाजपा को भगाया और एक बिहार की धरती से पूरे देश भर में संदेश देने का काम किया। जहां भी बीजेपी ऑपरेशन लोटस कर रही थी उसके ऑपरेशन को चकनाचूर बिहार की धरती ने किया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग सब लोग जिस दिन साथ हुए थे 8-9 अगस्त को पिछले साल, तो एक बात प्रेस मीडिया के सामने हम लोग खुद आकर के कहे थे कि देश में सब लोगों को साथ जोड़ना है और हम लोगों का पहल जो है रंग लाया। बैठक भी हो गई बॉम्बे में, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बन गए 5, उसके अलावा 4 जो और कमेटियां हैं उसका भी जो है तय कर दिया गया कि कौन कौन क्या क्या होगा। अब जो है कमेटी में जो भी एजेंडा आएगा, निर्णय जो लेना है वो कमेटी जो है लेगी सामूहिक रूप से, सब दल के लोग जो है उसमें फैसला लेंगे, निर्णय लेंगे जो उचित होगा। तो एकमात्र मकसद है ये लोग नौजवानों के हाथ में तलवार पकड़ाना चाहते हैं, हम लोग कलम पकड़ाना चाहते हैं। ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हम लोग जोड़ने की और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। और देश की अखंडता, जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही खूबसूरती है जिसको ये लोग अलग अलग करना चाहते हैं। कल भी हम कहे जो ये बात चल के आ रही है, अब होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई क्लूलेस है, कोई भारत सरकार का कोई ऑफिशियल अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है कि एजेंडा पार्लियामेंट में क्या होगा। लेकिन भाई चर्चा जो है छोड़ दिया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो हमने तो सवाल उठाया ना पहले कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पहले वन नेशन वन इनकम तो कीजिए, पहले आर्थिक न्याय तो लोगों के साथ कीजिए। ये बेकार की बातों में कहाँ लगे पड़े हैं, फंसा रहे हैं, कुछ होना वाला है नहीं। इसलिए बात अगर होनी चाहिए तो लोगों की आर्थिक न्याय की होनी चाहिए, वन नेशन वन इनकम होना चाहिए लोगों के साथ। और अभी मान लीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो चाहते ही है ना कि भाई इन लोगों का कब्जा पूरे देश भर में हो। तो जहाँ भी रीजनल पार्टी है या गैर सरकार बीजेपी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहाँ कब्जा कर लिया जाए, दिल्ली में फलना उल्टा सीधा ऑर्डिनेंस ला करके पास करा लिए कब्जाने के लिए ना। तो वही चाहते कि देश में लोग कब्जा कर ले, राज्यों को खत्म करके खाली केंद्र रहे और बाद में बोलेंगे कि वन लीडर, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी। कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, वन नेशन वन रिलीजन, ये सब बेकार की बातें हैं ना। ये तो हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा, संविधान को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है ये तो धीरे धीरे। तो इनके मन में जो बात है वो धीरे धीरे जो है सामने आएंगे।